केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि मनरेगा को लेकर पश्चिम बंगाल में कई अनियमितताएं हुई हैं। राशि को दूसरे मदों में खर्च कर दिया गया, जिसके कारण राज्य के लिए पैसे का आवंटन रोका गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के बीच मंगलवार को लोकसभा में मनरेगा को लेकर तीखी बहस हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान टीएमसी सांसद ने पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी सांसद के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन यह मोदी सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। मजदूर जितने दिन का रोजगार मांगते हैं उतना दिया जाता है, लेकिन अगर कोई योजना का दुरुपयोग करेगा, योजना का नाम बदलकर फंड डाइवर्ट करेगा तो कार्यवाही की जाएगी। शिवराज ने दावा किया पश्चिम बंगाल ने कई अनियमितताएं की हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने उन अधिकारियों को बचाने का काम किया जिन्होंने फंड डाइवर्ट किया है, इसलिए पैसा रोका गया है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि 100 दिन का रोजगार मांगने पर, जरूरी नहीं कि 100 दिन का रोजगार ना मांगे तो भी दें, एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वो मांगते हैं तो। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं, कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं, लेकिन जितने दिन का वो रोजगार मांगते हैं उतना रोजगार दिया जाता है। और मैं कह रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्हें आवंटन को 3 गुना ज़्यादा बढ़ाया है। इस साल भी 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और ज़रूरत पड़ेगी और मांग होगी अगर मजदूरों द्वारा तो उस प्रावधान को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, ये योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा पहुँचता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।